हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह की डायग्राम हमारे सामने है। किसी व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन भेजे हैं और हमें इस डायग्राम का पेरीमीटर और एरिया निकालना है। पेरीमीटर और एरिया दोनों निकालने हैं। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। देखिए, पेरीमीटर अगर निकालना है तो मतलब ये जो बाउंड्री है ना, सारी बाउंड्री का ही एडिशन चाहिए होता है, लेंथ चाहिए होती है बाउंड्री की। दैट मींस अगर मैं यहां पर इनके नेम्स दे दूं, ए बी सी डी ई और लेट्स सपोज इसका नाम एफ दे दूं, तो मुझे अगर पेरीमीटर निकालना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस ए एफ, इन सबको ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। दैट मींस मुझे इन सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। और एरिया मतलब ये अंदर वाला एरिया जो कवर्ड है इसके अंदर। अब देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इनके सबकी लेंथ हम डिफाइन आउट करते हैं। जैसे ए एफ की मुझे पता है, ए बी की मुझे पता है, बी सी की भी पता है, सी डी की पता है, डी की पता है, तो बस ई एफ का देखना बाकी है कि ई एफ की कितनी लेंथ है। अब वो ई एफ की कैसे पता चलेगी, देखो यहां से अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं, ये देखिएगा ध्यान से, एक तरह से रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये ए बी फाइव है ना, मान लीजिए इसका नाम जी है, अगर ए बी फाइव है तो जी से लेकर सी तक जी सी भी कितना होगा, फाइव होगा। क्यों होगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। चलो ये फाइव और ये फाइव, अब देखो ये पूरी सी डी कितनी है, पूरी सी डी 10 है, उसमें से अगर इतना एफ हो गया, फाइव हो गया है, तो फिर ये भी कितना बचेगा, 5 बचेगा, तभी 5 प्लस 5 पूरी लेंथ 10 बनेगी। अब अगर ये 5 है तो उसके सामने EF, EF भी क्या होगा, 5 होगा। चलो पेरीमीटर निकालना तो बहुत आसान हो गया, देखते हैं अब पेरीमीटर कैसे निकलेगा। पेरीमीटर विल बी गिवन बाय एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स। जैसे यहां से शुरू करते हैं, AB की लेंथ कितनी है, 5। नेक्स्ट BC की लेंथ कितनी है, 7। CD कितना है टोटल, इट इज 10 सेंटीमीटर। DE इज 3। EF कितना है जी, EF इज 5। और F से लेकर A तक इट इज गिवन एज 4। चलो ये सारी हमें लेंथ गिवन है, हमारे सामने है, तो इनको ऐड कर देते हैं। 5 प्लस 7 12 प्लस 10 22 22 प्लस 3 25 25 प्लस 5 30 30 प्लस 4 34। तो यहां पर मेरे पास पेरीमीटर कितना, 34 सेंटीमीटर। ये जो बाउंड्री है ना, उसकी एडिशन है 34 सेंटीमीटर। अब अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर मुझे एरिया निकालना हो, अब पहले तो यहां ऊपर भी याद रखना है, यूनिट्स जरूर लिखने हैं, अगर यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे। एरिया में अब मेरे पास देखो, यहां पर दो डायग्राम बन गई, एक ये एक ये। इस पूरी डायग्राम का एरिया निकालना हो तो मुझे इसके दो पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट नाम ले लो, ये सेकंड। दैट मींस मैं ये ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ पार्ट वन प्लस एरिया ऑफ पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट का एरिया और सेकंड पार्ट का एरिया दोनों को ऐड करेंगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा, होल एरिया हो जाएगा। अब यहां पर वन का एरिया कैसे होगा, देखो ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब यहां पर देखो, ये लेंथ है 5। मैं अगर फर्स्ट पार्ट के एरिया की बात करूं, 5 मल्टीप्लाई और ब्रेथ कितनी है, 3। फर्स्ट पार्ट का एरिया 5 टाइम्स 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड का एरिया। यहां देखो लेंथ एक तरफ कितनी है, 7 गिवन है ना, तो एक तरफ 7 और ब्रेथ कितनी, ए बी 5। तो बस इन्हीं को ऐड करना है, बस हमने फॉर्मूला यहां कौन सा यूज किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये फॉर्मूला याद रखना है। 5 टाइम 3 इज 15, 7 टाइम 5 इज 35। दैट मींस मेरा आंसर कितना आया, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इस डायग्राम का एरिया आया। ऐसे क्वेश्चंस छोटी क्लासेस में, फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में
ये बच्चों को आते हैं, तो प्लीज ये जरूर सिखाइए। यहां पर पूरी डायग्राम से घबराने की जरूरत नहीं है, उसके दो पार्ट्स कर दीजिए बस। ये हमने लाइन लगाई तो दो रेक्टेंगल्स बन गई, दोनों रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। राइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।